मोहम्मद शमी आने वाले आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तो गुजरात टाइटंस को लगते हुए दिख रहा है। पहले कप्तान हार्दिक पांड्या और अब मोहम्मद शमी, ये दोनों स्टार प्लेयर्स ने गुजरात टाइटंस का साथ इस साल छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि शमी को लेफ्ट एंकल में इंजरी हुई है, जिसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ रही है। अब ये इंजरी तो शमी को वर्ल्ड कप में ही हो गई थी, लेकिन ये इंजेक्शन ले लेकर अपने दर्द को कम कर रहे थे। फिर जब इंजेक्शन ने काम करना बंद कर दिया, तब डॉक्टर्स ने कहा कि अब आखिरी ऑप्शन है सर्जरी। इसी के कारण शमी भाई को लंदन पड़ा है सर्जरी करवाने। आपको बता दूं कि पिछले साल आईपीएल 2023 में मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए थे और पर्पल कैप को अपने नाम किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए कौन होगा और टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कौन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।